दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नालागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें नगर परिषद पार्षदों को बिना मास्क के बाहर घूमने वाले व कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने का अधिकार दिया। संक्रमित व उनका परिवार अगर बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा की गई। यह बीमारी दूसरे लोगों को ना फैले, इसके लिए भी सभी को मास्क का प्रयोग करने को कहा गया। एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि वे अपने अपने वार्डों में सर्वे करें कि उनके वार्ड का कोई जरूरतमंद तो नहीं है। अगर किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे लोगों को घर में ही खाना पहुंचाया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करें और लोगों को टीकाकरण कराने के लिए कहें। जो बुजुर्ग लोग आने जाने में असमर्थ हैं उन्हें टीकाकरण व अन्य जरूरतों के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध रहेगी। आज जो है हमने नगरपालिका एमसी जो काउंसलर है नालागढ़ के, उनके सभी मेंबर्स के साथ मीटिंग की। उनकी वार्ड वाइज कोविड पॉजिटिव मेंबर्स, जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई है, नंबर ऑफ पॉजिटिव है, नंबर ऑफ रिकवरीज है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि उन्हें अगर कोई समस्या आ रही है तो वो हमारे साथ साझा करें। सभी का उनसे फीडबैक लिया गया तैयारियों को लेकर, और उनकी जो चुनौतियां या समस्याएं हैं उनको जाना गया तथा उनकी हर समस्या का हर संभव समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। साथ ही टीमें गठित की गई, हर वार्ड में वॉलंटियर्स बनाए गए जो होम आइसोलेशन और किसी भी समस्या को लेकर करेंगे। साथ ही टीकाकरण की गति को तेज करने का भी निर्णय लिया गया, और ये भी तय किया गया कि जो अगर कोई अवहेलना करते हुए दुकानदार पाए जाते हैं या कोई और किसी प्रकार के मास्क या इसकी अवहेलना होती है तो ईओ साहब के नेतृत्व में डेली एक चक्कर मार्केट का लगाया जाएगा और वहां पर ये इन्फोर्स किया जाएगा। साथ ही इन्हें अपनी जो चालान करने के लिए भी ईओ साहब को हमने कहा है कि अधिक से अधिक चालान करें ताकि लोगों में थोड़ा भय भी रहे और वो अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नालागढ़ से अरुणी पाठक की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।